नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। और दोस्तों आप देख सकते हैं एक मेरा दोस्तों एक छोटा सा रूम है, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये जो मेरा रूम है दोस्तों, एक ये छोटा सा रूम है दोस्तों। और मैं अपने इस कमरे में, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये टेलीविज़न भी लगा कर रखा है और ये दोस्तों मैंने DTH भी लगा कर रखा है। और दोस्तों आपको बता दूँ, ये मेरा TV और दोस्तों ये जो मेरा फ़ैन चल रहा है, ये फ़ैन, ये सभी दोस्तों ये बिजली से, जो कि घरेलू मीटर होते हैं दोस्तों, तो उससे नहीं चल रहा है। ये दोस्तों चल रहा है, मैं आपको उसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, कि आप भी इसी तरीके से इस्तेमाल करके इस प्रोडक्ट को, और आप भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में ये बिजली दोस्तों ले सकते हैं। और जो आप दोस्तों फ़ैन दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जो फ़ैन चल रहा है, ये फ़ैन दोस्तों मेरा 24 घंटे जो है ये एनी टाइम दोस्तों मैं इसे चालू कर सकता हूँ, चाहे रात में हो या कि फिर दिन में। और दोस्तों आपको बता दूँ, ये जो TV है, तो दोस्तों ये TV ज़रूर मेरा केवल दिन में जो है तो ये लगातार देखने पर दोस्तों 2 से 3 घंटे ही चल पाता है। दोस्तों मैं उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप कैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है तो आप पा सकते हैं। मतलब कि जैसे दोस्तों गर्मी है, गर्मी बरसात में दोस्तों आपका जो फ़ैन है तो दोस्तों वो तो चालू करना ही पड़ता है। दोस्तों देख सकते हैं जो फ़ैन मेरा चल रहा है, ये फ़ैन दोस्तों मेरा DC 12 वोल्ट का है और दोस्तों मार्केट में आपको करीब 1900 से 2000 के करीब दोस्तों आपको ये सीलिंग फ़ैन मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने एक सेकंड हैंड दोस्तों ट्रैक्टर का बैटरी लिया हुआ है, और जो कि मुझे दोस्तों ये बैटरी जो है करीब 1800 में मिल गया था। तो दोस्तों एक आपके पास बैटरी होनी चाहिए और सही हालत में दोस्तों होनी चाहिए, वर्क करे। और दोस्तों मैंने जो अपना TV था आप दोस्तों दिखाया, ये TV चालू करने के लिए दोस्तों मेरे पास एक ये आपका 250 VA का, मतलब करीब दोस्तों 150 वाट का ये इन्वर्टर है। दोस्तों जैसे मैं इस इन्वर्टर को आपका चालू करता हूँ तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों मैंने आपका इन्वर्टर किया और दोस्तों छत में मेरे जो है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा छत में मेरा जो प्रोडक्ट लगा हुआ दोस्तों, तो उसके बारे में मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने दोस्तों इन्वर्टर चालू किया और इस, तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये मैंने पूरा कनेक्शन अपना इसी से किया हुआ है। और दोस्तों ये इसका जो मीटर है दोस्तों, तो मीटर से कोई भी संबंध नहीं है। अब जैसे दोस्तों मैं ये चालू करूँगा दोस्तों, मेरा TV भी ये अभी चल रहा है और देख सकते हैं आप ये फ़ैन भी जो है चल रहा है। दोस्तों जो फ़ैन है, तो फ़ैन दोस्तों आप इन्वर्टर के थ्रू भी चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जानकारी दे दूं, यदि आप इन्वर्टर का इस्तेमाल करके फ़ैन को चलाएंगे या फिर TV चलाएंगे तो आपका दोस्तों जब तक अच्छा धूप रहेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे छत में जो है सोलर प्लेट लगा हुआ है और उसे मैं आपको दिखाऊंगा कितने वाट का लगाया हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे देखिए TV जो है मेरा ये चालू हो चुका है। तो दोस्तों ये TV आप चालू करते हैं तो दोपहर में करीब ज़्यादा दोस्तों 3 घंटे ही देख पाएंगे। और दोस्तों मैंने आपको, चलिए मैं इसे आपको बंद करके दिखा देता हूँ, ये दोस्तों इन्वर्टर से बंद करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए जैसे मैं अपना इन्वर्टर बंद करूँगा ये TV भी ये बंद हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं इन्वर्टर बंद हो चुका है और मेरा TV बंद हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये फ़ैन चल रहा है। तो दोस्तों गर्मी में और बरसात में दोस्तों जानते हैं कि आजकल मच्छर जो है तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पंखे के लिए बताऊँगा कि आप अपने पंखे को कैसे 24 घंटे चालू कर सकते हैं बिना इन्वर्टर के मदद से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्वर्टर भी बंद है, फिर भी मेरा फ़ैन दोस्तों ये चल रहा है। दोस्तों कैसे चल रहा है मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं छत की तरफ। तो मैं छत में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं ये सोलर प्लेट जो है, तो मैंने सोलर प्लेट लगाया हुआ है और मेरा एक प्लेट जो है ये जो ये वाला प्लेट है दोस्तों, ये 120 वाट का है और ये आपको मार्केट में करीब 2500 के लगभग में मिल जाता है। और दोस्तों एक ये जो है ये 75 वाट का है, जब से आप देख सकते हैं दोस्तों ये 75 वाट का है, और एक दोस्तों ये वाला 120 वाट का है। तो दोस्तों मैंने दोनों को जो है पैरेलल में आपको दिखा देता हूँ, कनेक्शन इसका दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप जो है यदि खाली पंखा बस चालू करना चाहते हैं तो केवल आप एक पैनल भी उपयोग करेंगे और बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो सीलिंग फ़ैन है दोस्तों वो 24 घंटे चलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये दो वायर इस वाले पैनल से आया हुआ है न्यूट्रल फेस, और दो वायर दोस्तों इस पैनल से आया हुआ है। तो दोस्तों मैंने दोनों को आपका पैरेलल में, मतलब कि न्यूट्रल न्यूट्रल और ये फेस फेस, दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दोनों को आपस में जोड़ दिया है।
और यही दोस्तों मैंने आपको कमरे में दिखाया था, इसी कनेक्शन को मैंने अपने बैटरी से दोस्तों जोड़ दिया है। और साइड में दोस्तों एक छोटा सा इन्वर्टर भी 150 वाट का रखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको फिर से पूरी जानकारी देता हूँ कि आप सीलिंग फैन में अपना कनेक्शन कैसे करेंगे ताकि आप 24 घंटे पंखा आपका जो है चलता रहे। दोस्तों ये मैं रूम में आ चुका हूँ और अब आपको दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं ये जो होल्डर दोस्तों मैंने बल्ब से ये जो फिटिंग किया हो दोस्तों, ये सभी का फिटिंग दोस्तों ये केवल जो ऊपर मैंने पैनल लगाया हुआ है और जो भी दोस्तों बैटरी वगैरह है तो सब कनेक्शन दोस्तों इसी से मैंने किया हुआ है। और आप देख सकते हैं मैंने लाइट के लिए दोस्तों, ताकि ये मेरा 24 घंटे जो है ये आपका जो लाइट दोस्तों ये DC 12 वोल्ट का लाइट है दोस्तों, मैंने इसे लगाया है, ये 24 घंटे आपका चालू रहता है। और यदि दोस्तों मैं इन्वर्टर से बल्ब लगा के चालू करूँगा तो दोस्तों केवल दिन में ही यूज कर पाऊँगा। और TV भी दोस्तों दिन में 2-3 घंटे देख सकता हूँ। बाकी मेन जरूरी दोस्तों जो पंखा है मेरा, पंखा दोस्तों गर्मी भी है और चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो दोस्तों, ठंड में केवल 2 महीने ही हम पंखा बंद करके रखते हैं, बाकी दोस्तों 24 घंटा पंखा हम चला कर रखते हैं, क्योंकि दोस्तों मच्छर जो हैं तो आपको हर जगह परेशान करते मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों जब आप ये फ़ैन जो है, जैसे दोस्तों फ़ैन मैंने चालू कर दिया है, तो दोस्तों फ़ैन मैंने चालू किया है डायरेक्ट DC से। दोस्तों आपको बता दूं, आपको मार्केट में ये फ़ैन जो है DC, जब दोस्तों आप मार्केट में जाते हैं तो आपको एक पैनल परचेज करना है, जो कि दोस्तों आप एक पैनल लेते हैं दोस्तों 100 वाट का भी ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और करीब दोस्तों आपको 2500 का वो आपका पैनल पड़ेगा और समथिंग दोस्तों 2000 करीब आपका सीलिंग फ़ैन मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों बैटरी दोस्तों आप नया भी ले सकते हैं और आप दोस्तों पुराना भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों पुराना भी करेंगे तो आपका दोस्तों TV तो नहीं, लेकिन दोस्तों ये आपका LED बल्ब जो है 12 वोल्ट का और एक पंखा दोस्तों ये आप 24 घंटे चला सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि दिन में जो है ये देखिए, ये जो मेरा पैनल से दोस्तों दो वायर आया हुआ है, मैंने इसे ये देख सकते हैं आप, ये दोस्तों आप सीधे अपने बैटरी में ये न्यूट्रल और दोस्तों ये फेस जो कि आया हुआ है इसे आपको बैटरी में लगा देना है। और दोस्तों मैंने ये बैटरी ये इन्वर्टर जो है तो इन्वर्टर भी लगा कर रखा है अपना TV चालू करने के लिए, क्योंकि दोस्तों TV जो है इसका TV का SMPS सप्लाई होता है, इसलिए TV चालू करने दोस्तों बस 1-2 घंटे देखना होता है। तो मैंने दोस्तों TV का कनेक्शन इस इन्वर्टर से किया हुआ है और इसके अलावा दोस्तों इन्वर्टर से मैंने ना तो पंखे का कनेक्शन किया है और ना ही दोस्तों आप देख सकते हैं लाइट का कनेक्शन किया है। तो दोस्तों मैंने अपने पंखे का कनेक्शन सीधे आप देख सकते हैं, तो वायर दोस्तों ये वायर सीधे गया है मेरे पंखे में और दोस्तों मैंने बटन लगाया हुआ है और बटन से जो है तो मैं अपने पंखे को एनी टाइम दोस्तों, चाहे दिन हो या रात हो, तो उसे दोस्तों मैं 24 घंटे चालू करके और गर्मी हो बरसात हो दोस्तों हवा ले सकता हूं। तो दोस्तों यदि आपको भी इसी तरीके से दोस्तों बिजली बचाना है और यदि आपके एरिया में दोस्तों बिजली लाइट जो है गोल रहती है और गर्मी में दोस्तों आप परेशान रहते हैं, तो आपको बता दूँ दोस्तों आपको जो भी सिस्टम दोस्तों मैंने बताया तो आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों बैटरी आप कोई बैटरी दोस्तों आपको केवल यदि पंखा चलाना है सीलिंग पंखा आपका, दोस्तों आप छोटा बैटरी भी ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। करीब आप दोस्तों 20 एम्पियर 30 एम्पियर का बैटरी भी लेते हैं तो दोस्तों काम चल जाएगा। और दोस्तों ये जो मेरा बैटरी है ये 75 एम्पियर का, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो भी दोस्तों ट्रैक्टर का मैंने सेकंड हैंड परचेज किया हुआ है। तो दोस्तों आप इन्वर्टर लेते हैं नहीं लेते इससे दोस्तों आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्वर्टर दोस्तों मैंने अपने यूज के लिए, जैसे कि छोटे मोटे काम के लिए दोस्तों, जैसे सोल्डिंग आयरन गर्म करने के लिए या फिर दोस्तों ये TV देखने के लिए मैं दोस्तों इस्तेमाल करता हूँ। और आपको दोस्तों यदि आपका मोबाइल चार्ज करना है तो मार्केट में आपको 12 वोल्ट वाले छोटे छोटे किट मिल जाते हैं दोस्तों, तो उसमें आप डायरेक्ट बैटरी में लगा के और दोस्तों मोबाइल भी उसमें आप चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें और शेयर भी दोस्तों ज़रूर करें। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था दोस्तों, नमस्कार।